सुम्बुल तौकीर खान प्रियंका चौधरी को पछाड़कर नंबर वन बनी है निमृत कौर आहलूवालिया, जहां उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फोर्स। जैसा कि हम इन दिनों देख रहे हैं कि बिग बॉस सीजन 16 के घर से निकलने के बाद कई सारे सेलिब्रिटी हैं जो अपने अपने प्रोजेक्ट में जुट चुके हैं, कईयों को अवार्ड से नवाजा जा रहा है, तो कोई अपकमिंग अपने शो के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल हमने ये भी देखा कि बिग बॉस सीजन 16 के घर से तीन लोगों ने खूब नाम कमाया है, वो है सुम्बुल तौकीर खान और इसी के साथ जो है निमृत कौर आहलूवालिया है, प्रियंका चौधरी है। फीमेल में अगर बात करें तो इसी के साथ अब आपको बता दें कि हाल ही में इंडियन टेली अवार्ड शो हुआ, जहां प्रियंका का नाम भी नॉमिनेट था, सुम्बुल का नाम भी नॉमिनेट था, निमृत का नाम भी नॉमिनेट था। सबके अपने अपने शो को लेकर, जैसे कि जो है सुम्बुल अपने इमली शो के लिए नॉमिनेट हुई थी, इसी के साथ यहां पर बता दें प्रियंका चौधरी है जो उडारिया शो के लिए नॉमिनेशन में उनका नाम आया था, और निमृत कौर का छोटी सरदारनी में। और ऐसे में अब आपको बता दें कि यहां पर बाजी मारी है निमृत कौर आहलूवालिया ने, फैन फेवरेट एक्ट्रेस जो है इस अवार्ड से निमृत कौर आहलूवालिया को नवाजा गया है, और वो भी छोटी सरदारनी शो के लिए। जी हाँ, फैन फेवरेट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है यहाँ पर निमृत कौर आहलूवालिया को मिला है। इस तरह से प्रियंका, सुम्बुल और बाकी कई सारी सेलिब्रिटी को पछाड़ कर बनी है नंबर वन। फिलहाल अगर निमृत कौर आहलूवालिया की बात करें तो निमृत कौर आहलूवालिया ने अभी तक अपने प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। हालांकि वो कई तरह की फोटो शूट करवाती हुई नजर आ रही है मैगजीन्स के लिए। अब ऐसे में उन्हें नेटफ्लिक्स के ऑफिस के पास भी देखा गया, तो कहा यह जा रहा है कि जल्द ही वो किसी वेब शो में नजर आ सकती हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि निमृत अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर कब अनाउंसमेंट करती हैं। फिलहाल क्या कहना है निमृत कौर आहलूवालिया को लेकर आपको, आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए। टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।